बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की, जय हो, सत्यनारायण भगवान की। जय श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब इसके बाद हम पंचम अध्याय में दूसरी कथा को कहते हैं, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की महिमा की कथा है। एक राजा था, उसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यदेव शिकार करने गया, बहुत से पशुओं को मारा, एक बट के वृक्ष के नीचे आ गया। वहां उसने देखा कुछ गोप ग्वाल बैठे हुए बंधु बांधवों के साथ, बड़े संतुष्ट होकर भक्ति भाव पूर्वक मनसा वाचा कर्म इंद्रिया मानो सभी प्रकार से किसी व्रत का पूजन कर रहे हों। राजा यह देखकर अहंकार के वश नहीं गया, न घोड़े से उतरा न प्रणाम किया। कुछ लोगों को बड़ा घमंड होता, उन्हें लगता है कि लोग हमें देखें, हमें जाने, और जो कथा करने वाले पंडित जी हैं वो तुरंत हमारा नाम लें, और अगर उनका नाम ना लो, उन्हें ना देखो, उन्हें कोई बैठने को ना पूछे, और अगर वो बैठ जाए तो उन्हें कथा ऐसी लगती है जैसे सूजा चुभाए जा रहे हो, उनका मन नहीं लगता है। फिर मन ही मन वो ये कहते हैं, होंगे अपने लिए बड़े, बाहर में गया, हम एक बार आ गए, अब नहीं आएंगे, होंगे बागेश्वर महाराज अपने लिए, आहा, फलाने नेताजी आ गए, फिर देखो तुम ऐसे, बहुत अच्छे महाराज है, बहुत अच्छे, क्या कथा बोल रहे, संगीत बहुत अच्छा है, नाम ना ले ना देखो, उन्हें ये लगने लगता जैसे हम नाहर बैठे, सिंह बैठे। अनुभव की बात, ऐसे ही इस राजा के साथ हुआ। तुंगध्वज नाम का राजा वन में शिकार खेलने गया, वहां गोप ग्वालों को सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। राजा अहंकार के बस, अभिमान के बस, ना घोड़े इसके दोना बनते थे, उनको दोना कहते हैं, और छिवला के पत्ते का दोना में प्रसाद इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उसका नाम ही था दोना, दोना एक ही है, इसलिए भगवान को दोना बड़ा